भैया जिस तरह से हमको पूछ रहे हैं उसी तरह से हम तो बार बार बोल रहे हैं, आप पार्टी कार्यालय में चले जाइए, हम बाहर की बात नहीं करें, पार्टी कार्यालय में चले जाइए, कैमरा बंद कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा और वहाँ किसी से भी पूछिएगा, इवन पार्टी कार्यालय का जो हमारा स्टाफ है उसे भी अकेले में भी पूछिएगा तो लोग बता देगा कि कौन कौन लोग दिखवा लेकिन बैठक में शामिल होंगे क्या वैसे लोग तमाम लोग शामिल होंगे क्या कह रहा है कि पार्टी के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं आप और इस आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब फिर आप लोग तो अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई उपेंद्र कुशवाहा का कोई मामला नहीं है ना, उनका हर तरह की कार्रवाई झेलने को उपेंद्र कुशवाहा तैयार है, हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि पार्टी को बचा लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को आप रखिए ना रखिए उसकी भी बात नहीं, पार्टी को बचा लीजिए, या पार्टी सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के मन में इस पार्टी के लिए दर्द नहीं। लेकिन उपेंद्र जी 18-19 की आपका जो मीटिंग है वो चुनौती मान रहा है जेडीयू, कह रहा है कि आप वो कह रहे हैं सर आपने कभी कोशिश चुनौती है कि नहीं वो जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के लिए? किसी के लिए चुनौती नहीं है, हम पार्टी की मजबूती के बाद की बात कर रहे हैं और इसके लिए हमने मीटिंग रखी है। देखिए एक नहीं सैकड़ों लोग रोज फोन करके, हम जिस इलाके में बिहार में जा रहे हैं वहाँ के लोग आम लोग, हम जब पटना में होते हैं तो यहाँ पार्टी के साथी मिल करके सब लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ हुआ, जिस तरह से पार्टी बढ़ते जा रही है, जिस डील के आधार पे पार्टी चलते जा रही है, अगर इसी तरह से पार्टी चलती चली गई तो बर्बाद हो जाएगा सब। तो वैसे लोगों के मन की चिंता का ध्यान रखते हुए हम वैसे तमाम लोगों का आह्वान करते हैं कि सब लोग आवे और अलग अलग जो व्यक्तिगत रूप से मुझको बोलते हैं मिल करके एक जगह बैठ करके और इस चिंता पर विमर्श करें, और इसीलिए 19 और 20 दो दिन की बैठक सर आपने कभी